थे हम लोगों ने एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया था। डॉक्यूमेंट्री फिल्म बोल के नहीं, हफड़ों के बारे में एक छोटा सा वीडियो बनाया। वो वीडियो को मैं अभी रिलीज करूँगा। उसलिए एक बहुत कोने कोने से एक दो लोगों ने आया दिमा हंसो का कोने कोने से। तो ड्यूरिंग का ऑफिशियल इंचार्ज को भी मैं अपील करता हूँ, यहाँ पे गाय हम लोग का जो डॉक्यूमेंट्री है और माता के साथ जो आई सी है उन दोनों को रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पर आके हमारी जो Haflong. Up in the terrains, located the queen town of Haflong, the district headquarters of the Dima Hasao. जिस दिन हिल स्टेट का फर्स्ट लॉन्चिंग होने था लास्ट ईयर को, उस वक्त हमने उसके पास गए थे सर। उस वक्त ऐसा भी था, मतलब हमने लैपटॉप से शुरू किया था जो हम उनका जो हिल स्टेट है, एक हमारी लैपटॉप अभी भी वही लैपटॉप से वीडियो देखा रहा था, उसी लैपटॉप से शुरू किया था, उसी लैपटॉप के जरिए से हम उनका जो हिल स्टेट का जर्नी था। आज एक अपना बोलने से इतना हाईफाई नहीं है फिर भी काम चल जाता है, वो वाला सेटअप आज तक इतना बन पाया। तो आप क्या कहेंगे हिल्स लाइफ का? आज पहला एनिवर्सरी है, मैं हिल्स लाइफ का पूरा फैमिली को शुभेच्छा देता हूँ और बाकी आए हुए गेस्ट लोगों को भी। हमको तो इतना बोलना नहीं आता है, फिर भी सिंपल बोल रहे हैं। सोनिक का सर मेरा पुराना थोड़ा दोस्ती जैसा था, उसने कभी कभी बताता था हमको कुछ उसका जो प्लान होता है, हम भी थोड़ा शेयर करता था उसके साथ। तो उस टाइम में हम लोग बातचीत करता था, वो जब पहला हिलस्लैप स्टार्ट हुआ था उस टाइम में हम लोग दोनों बैठ के बहुत सारा बात से कह रहा हूँ, भी था उस टाइम में। तो स्टार्टिंग में कुछ डॉक्यूमेंट्री वगैरह भी हम लोग एक साथ बनाया था, हम लोग भी था वहाँ पे पुलिस का तरफ से, मैं भी था। तो आज अच्छा लगा है, इतना पॉपुलरिटी मिला है पब्लिक का बहुत, रिमोट एरिया का कुछ लोगों का ओपिनियन, आज दिमाग साहब का ओपिनियन, हर लोग प्रोफेशनल सिंगर अदर आई एम बाथरूम सिंगर बट सिंस दे हैव रिक्वेस्टेड मी सो आई वुड लाइक टू प्ले ऑल नंबर। सिंस आई एम एन ओल्ड मैन आई लाइक ऑल नंबर्स एंड इफ हिल्स लाइक वर ए ह्यूमन बीइंग देन आई वुड हैव sung that song, Bar Bar Ye Dil Aaye, Bar Bar Ye Dil Gaaye. So let me try. Kehna hai, aaj tumse ye pehli Oh,
is with me. Good evening, everyone here. What others have spoken, I'm not going to repeat that. So whatever those feelings that has just cropped up right here, just want to share those feelings. आज अगर हम लोग अगर देखेंगे तो हर कोई खुद का प्रमोशन में सब लोग लगा हुआ है. एक ऐसा जनरेशन आया अभी उमड़ रहा है कि सब लोग मतलब कुछ भी करो एक फोटो लो उसको पोस्ट करो. ऐसे में एक शख्स जिनका नाम अनूप विश्वास है और उनको मैं बहुत करीब से जानता हूं. एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट आई लाइक अबाउट दैट मैन कि उन्होंने इस रेस में जिसको हम कहते हैं कि सेल्फ प्रमोशन ही नेवर प्रमोटेड हिमसेल्फ. ही ऑलवेज वांटेड टू बी बैक सीट बिहाइंड द कर्टेन्स. ये आज के दिन में एक बहुत बड़ा क्वालिटी है. शायद मुझमें भी नहीं है ये क्वालिटी. एंड ही इज द मैन हु लॉन्च्ड और लेट अस से गिव बर्थ टू दिस ब्यूटीफुल यूट्यूब न्यूज चैनल जिसको हम लोग आज फर्स्ट एनिवर्सरी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. आज का दिन भी बहुत पावन है. लाइक टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द नवरात्रि और इससे शुभ दिन तो हो ही नहीं सकता है कि हम कोई एक इतना बढ़िया एक मतलब एक इवेंट को सेलिब्रेट करें. और ये चैनल का जो खास जो हमने देखा इट्स अ फैक्ट हम भी करें We can't deny that. लेकिन ये एक चैनल है जो कि मतलब ग्रासरूट लेवल में जाके मेन स्ट्रीम में जाके ऐसे ऐसे मुद्दे को लाए कि हम लोग जो बहुत बिजी रहते हैं अपने प्रोफेशन में जब लिंक आ जाता है तो मजबूर हो जाते हैं कि भैया हम उसको देखें. And believe me, we have seen those. क्योंकि हर कोई सेंसेशन या सेंसेशनल एक ऐसे न्यूज आइटम को सेंसलाइज करने के होड़ में ऐसे जुड़े हुए हैं कि टू बी वेरी फ्रैंक आज सबके घर में डिश टीवी है टाटा स्काई है सब कुछ है. आई नो यू आर नॉट लाइक मी लेकिन बिलीव मी अगर कोई चीज है जो मैं आज का सेटेलाइट चैनल में जो मैं नहीं देखता हूं वो है न्यूज. आई एम अ वेरी अनइन्फॉर्म्ड पर्सन टू टेल यू द ट्रूथ बीइंग अ पर्सन एजुकेटेड and connected with academics, मेरा ये न्यूज चैनल एकदम देखने का मन नहीं करता है. And the only reason is because of this paid sensationalism. लेकिन हम लोग का ये लोकल जो हिल्स लाइफ का जो टॉपिक्स है इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. उन्होंने जो एक चैनल लिखा था हम भी बोलेगा दैट इज रियली वेरी गुड रियली टू गुड. गांव गांव में जाके और अनूप विश्वास जी का जो व्यक्तित्व है जो उनका कैरेक्टर है बट आई हैव सीन ही हैज जेन्युइन फीलिंग्स फॉर दिस पीपल ऑफ द विलेजेस जो रूरल सेक्टर्स के था ही रियली फील फॉर देम. मैंने खुद देखा हूं कि वो उन्होंने कितना उनके लिए प्यार है. मंदिर दिशा में जाके वो फार्मर से मिलना इंटीरियर गांव में जाके एकदम वो ऐसे लोग से मिलना जो जहां पे उनके अपने लीडर्स भी आज तक नहीं गए हैं. आई स्टिल रिमेंबर वन ट्रिप विद हिम. हम लोग चार लोग थे और हम लोग गए एक गांव में जिसके बारे में जब हमने क्लासरूम में पूछा डिग्री स्टूडेंट्स को कि एक ऐसा जगह है हाफलॉन्ग में जो कि वहां पे स्नो होता है स्नो क्रिस्टल्स गिरता है और आसाम का एकमात्र वो जगह है जहां पे ये स्नो होता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी. क्या वो नाम तुमको पता है? एंड एज यू नो हफना गवर्नमेंट कॉलेज वी हैव आई वुड बी रॉन्ग इफ आई से वी हैव नियरली 85% ट्राइबल स्टूडेंट्स देयर स्टडिंग देयर एसटी स्टूडेंट्स. किसी ने नहीं बताया वो नाम विच इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग. हमने एचएस को नहीं पूछा था हमने डिग्री स्टूडेंट्स को पूछा. एंड दिस प्लेस Even I didn't know till then. It's a place called Thuruk. You have to cross, you have to go via Samba, Mualta, and then you go to Thuruk. It's
such a beautiful village of the Vaidyas. Aur unka jo conditions jo hai, so many good things are on papers out here in some of the departments. Unka ye ho gaya, unka wo ho gaya. Village mein road to chhodo, kuch bhi nahi hai. You have to literally go by that way, jahan se wo public log khud jaate jaate jo road ban jata hai, kuch us type kar do. गाड़ियों में जाना था तो दूर का बात, हम लोग का एक फोर व्हील ड्राइव का एक गाड़ी था, वो भी वहां पे फंस गया. द फोर व्हील इटसेल्फ वाज नॉट वर्किंग. बहुत मुश्किल से फिर उसको धक्का उक्का दिया, किसी तरह वो निकला. रोड है ही नहीं, एक ट्रेंच में जाके वो फंस गया. एंड द ब्यूटी ऑफ द प्लेस आई कांट डिस्क्राइब इट. फिर उनके जो इश्यूज हैं, मिस्टर अनुप बिस्वास जी उसको हाईलाइट किए. उसके बाद आपको वो तमाशा देखने लायक. ऑल द बिग ऑफिसर्स विद इन अ स्पैन ऑफ 20 डेज दे मेड अ ट्रिप देयर एंड हाइलाइटेड देमसेल्फ. दिस इज व्हाट आई हैव डन फॉर ऑफ फेक. इन द लास्ट 20 इयर्स नथिंग वाज डन देयर. उनका बेसिक हेल्थ का भी कोई सेंटर नहीं. दे गो टू द नियरेस्ट विलेज कॉल हरंगाजा. वो जिस तरह एक मुर्दा आदमी को बास्केट बना के उनको चार लोग धोते हैं, वैसे उनका पेशेंट वो स्टेशन पे जाता है. एंड फ्रॉम देयर दे गो टू बाय अ ट्रेन और सम व्हीकल इफ दे आर लकी एनफ. और बहुत ना लकी रहा तो वो बीच में ही खत्म होती होगी. तो दिस इज देयर प्लाइट. आई वाज सो टच्ड बाय दिस मैन्स ऑनेस्टी कि ऐसे ऐसे जगह पे वो अपना पैसा खर्चा करते हुए वो इस तरह का स्टोरी वो लाया. एंड दैट्स हाउ आई गॉट कनेक्टेड विद हिम. ही इज जनरली अ पर्सन कंसर्न अबाउट दिस वर्ल्ड पीपल. जो हमको चाहिए डिमासाओ इज द लार्जर पॉपुलेशन इज दैट कम्स फ्रॉम दोस टाइप ऑफ पीपल जहाँ पे कोई एक्सेस नहीं है. तो ऐसा आदमी को हम लोग जैसे लोग जो यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे बातें कर रहे हैं, वी नीड टू गिव देम अ हेल्पिंग हैंड. मैं एक चीज यहाँ पे सजेशन जस्ट लाइक टू सजेस्ट कि यहाँ का जो रॉ मेटेरियल्स, यहाँ का जो स्कोप है, यहाँ के जो यूथ जब वो बी ए कर लेता है या इवन अदर सब्जेक्ट्स में उनका ग्रेजुएशन अगर आ जाता है, तो यहीं पे उनके लिए अगर हम रिसोर्सेज जो हैं अगर हम डेवलप करें या उसको उस पोटेंशियलिटी को अगर टैप करके अगर यहीं पे एंगेज करते हैं, तो वी कैन हैव अ वेरी गुड एम्प्लॉयमेंट थिंग कमिंग अप इन दिस ब्यूटीफुल डिमासा डिस्ट्रिक्ट. तो मैं हिल्स लाइफ चैनल को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसके ऊपर में भी एक प्रोग्राम बनाए. तो ये न्यूज़ चैनल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है, ये तो आप सब लोगों ने बहुत कुछ बताया. तो मैंने भी मेरा तरफ से मैं हिल्स लाइफ को कंग्रेचुलेशन और ब्लेसिंग देता हूँ कि आपके चैनल का लॉन्गेविटी बहुत होते जाते रहेंगे, होते रहेगा. और हम लोग आप लोगों के साथ जरूर हूँ. बहुत ही एक पुराने गीत मैं आप लोगों को सुनाने के लिए कोशिश करूँगा.
लाइव जिंदाबाद, हिल्स लाइव आप तो सलाम सलाम, आओ झूमो नाचो गाओ तन से बोलो मन से बोलो, बोलो बोलो हिल्स लाइव जिंदाबाद। जैसे धरती आसमां से नाता जोड़े हैं, हम भी एक दूसरे से नाता जोड़े हैं, जैसे धरती आसमां से नाता जोड़े हैं, हम भी एक दूसरे से नाता जोड़े हैं, ना तोड़ेंगे जोड़ेंगे नाता जोड़ेंगे, ना तोड़ेंगे जोड़ेंगे नाता जोड़ेंगे, हम एक हैं एक ही रहेंगे। हिल्स लाइव आपको सलाम सलाम, आओ झूमो नाचो गाओ तन से बोलो मन से बोलो, बोलो बोलो हिल्स लाइव जिंदाबाद, बोलो बोलो हिल्स लाइव जिंदाबाद। हर एक दिन दिखा जाता है इनके पास, दैट इज रिक्वायर्ड।
जो है उसी को आगे ले जाना है, उसके लिए सही है उनको पॉजिटिव द एटीट्यूड दैट इज रिक्वायर्ड। तो सुबह उठ के जब हम सम गुड थिंग्स हम देखता है टीवी में अच्छा लगता है, ऑल द नेगेटिव थिंग्स न्यूज़पेपर मीडिया में किसी ने तो वेलकम नहीं करता है। दिस इज जस्ट इंफॉर्मेशन, दिस इज जस्ट इंफॉर्मेशन। सो अगेन आई विश ऑल द स्टाफ ऑन पिज़्ज़ा द यंग नॉटिस अलर्ट रिपोर्टर्स वी आर गेटिंग सपोर्ट लाइक सपोर्ट फ्रॉम एल्डर ब्रदर टू यंगर। So, it's your family. Demands of Indian products of population. It's your family. The adoption of good things. Except media, public, students, the administration. Except giant, so nobody can stop us. Thank you. बहुत ज़्यादा में awareness के बाद दूसरा प्रोग्राम करते रहते हैं सोसाइटी में, बहुत उसका योगदान है। तो उसको आज हमारे बीच में इसलिए हम लोग उसको बुलाया है कि हम लोग हिस्से पर तरफ से अलग अलग फील्ड में जो काम अच्छा करता हो, जो बिजनेस अच्छा करता हो, कोई अच्छा से अपना जो काम डेडिकेशन भी पर्सनली सब कुछ करते हैं उसको हम अवार्ड देने का मतलब है। लेकिन वो अवार्ड नहीं, लेकिन वो मेरा भी भैया है, मैं उसके साथ काफ़ी क्लोज रह चुका हूँ, उसके साथ काफ़ी बार मैंने उसके साथ काम किया है, वो काफ़ी अच्छा से काम करते हैं। तो उसको भी हमारे हिस्सा की तरफ से एक गिफ्ट देना पड़ता। ये अपने फैमिली को एक रिश्ता है, तो रिश्ते का एक तोहफा है, जो लोग पूजा में या उस दीवारों में एक देखते थे जैसा यहाँ का हिस्सा का यूनिवर्सिटी में एक गिफ्ट दिया। इस हिल्स लाइव का जो पहला साल गिरा इस कार्यक्रम का संदर्भ में या जितने भी लोग मौजूद है सबको मेरी तरफ से प्रणाम। हिल्स साहब से हम पहले से जुड़ा हुआ है जो हमारा भाई जैसे है, पहले भी बहुत सारे हमारे जो पेपर आता है और दिमाग के बारे में, और दिमाग में क्या चीज है और इसको आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम जुड़ा हुए हैं विलेज डिफेंस प्रोडक्शन से और हमारा काम भी अवेयरनेस करना है हर गांव गांव में हर परिवार में। हम लोग शिक्षा मिलते हैं स्कूल में कॉलेज में, सरकार का स्कूल में हम लोग बिना पैसा से शिक्षा मिल जाएगी और जिसका पैसा है प्राइवेट स्कूल से कॉलेज से लोग शिक्षा पाएंगे, लेकिन उनका छोके पे हम लोग चाहिए हमको इससे हमारा व्यक्ति निर्माण हो चाहिए। सिर्फ स्कूल और कॉलेज का शिक्षा से हमारा शिक्षा संपूर्ण नहीं होती, इसका हम कहते हैं इन्फॉर्मल एजुकेशन जो हम समाज से मिलते हैं। तो शिक्षा हमको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो इस विषय में आपको वो जरूर है कि हमारा सोशल इन्वायरमेंट तो सामाजिक परिवेश उस पर हमको ध्यान देना बहुत जरूरी है। हर साल हम लोग मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस पर विश्व मनाते हैं, लेकिन जो सामाजिक परिवेश है जो सोशल इन्वायरमेंट है उसके बारे में हम लोग का थोड़ा ध्यान बहुत कम थी। इसीलिए हमारा आशा है और हम इस लाइव परिवार को हम रिक्वेस्ट भी करते हैं, हमारा अनुरोध है कि जो सोशल इन्वायरमेंट जो है जो सामाजिक वातावरण उसको थोड़ा आगे बढ़ाने में अवेयरनेस प्रोग्राम में अगर कोशिश करें तो हमारा दिमाग हो बहुत आगे बढ़ेंगे। क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति जो हाई एजुकेशन में क्वालिफिकेशन डबल एम में हो सकते हैं, लेकिन उसका साथ अगर सामाजिक जो व्यक्ति विकास नहीं होंगे तो वह खतरा भी हो सकता है। इसलिए व्यक्ति विकास व्यक्ति निर्माण हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है और इस कार्यक्रम में हिल्स लाइव वो कदम रखेंगे
ये बोल के हम हमारा छोटे से उठते बात समाप्त करते हैं. नमस्कार. We could not show, so we have only 10 tribes showcasing of our district. So they are ready. So we'll be showing our traditional rap walk now. Thank you.